नमक एक तिहाई चाय का चम्मच, जीरा एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, सूख मिर्च डेढ़ चाय का चम्मच, दालचीनी स्टिक 2, लौंग 5, टमाटर का पेस्ट 1 कप, दही 1 कप, सफ़ेद सिरका 1.5 चाय का चम्मच, दो दरमियाने साइज के प्याज बारीक कटे हुए, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4-5 सब्ज मिर्चें बारीक वाली, फ्रेश धनिया 2 टेबलस्पून, 400 ग्राम फिश, चार खाने के चम्मच गरम ऑयल में प्याज शामिल करेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तेज आंच पर पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज मिर्चें शामिल करेंगे और 30-40 सेकेंड तक पकाएंगे। मसाला जार शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और दही 1 कप, 1 कप टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मिनट के लिए पकाएंगे। दरमियानी आंच पर पकाएंगे और मसाले के ऊपर फिश के पीसेस रखेंगे। दो मिनट तक पकाएंगे। फिश के पीसेस की साइड चेंज करेंगे। मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे। आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे, 1.5 चम्मच खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। पानी और मसाले को ठीक से मिक्स करेंगे। अब ढक्कन बंद करके मज़ीद 2-3 मिनट पकाएंगे दरमियानी आंच पर। मज़ेदार मछली का सालन तैयार है। आखिर में हरा धनिया छिड़कें। गरम गरम रोटी के साथ पेश करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।